स्टिफनेस स्टिफनेस चेक करो, टफनेस हार्डनेस सब चेक करो थोड़ा सा। तो भाई फाइनली पूरी रात जागने के बाद बहुत प्रिपरेशन की है आज के पेपर के लिए। वैसे सच कहूँ तो 2 यूनिट का मिस की है मैंने, सिर्फ 3 यूनिट्स पढ़ के जा रहा हूँ। 3 यूनिट्स में से देखते हैं कितना ज़्यादा अपन स्कोर कर पाते हैं। बेसिकली आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज हम सीनियर्स को फेयरवेल देने वाले हैं, और आज आप जो देखेंगे एग्ज़ाम के बाद वो होगा मैकेनिकल का फेयरवेल। इट मीन्स कि मैकेनिकल वालों की फुल मस्ती और गदर वाली मस्ती ऐसी। तो अभी बस वेट करो, पहले तो एग्ज़ाम देना है, और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो लाइक करती है वो ये है फेयरवेल। चलो यार ज़रा बैग को रख लिया जाए। हाँ भाई 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 भाई, भाई। नंबर दे दिया जाए। टोकन नंबर तो क्या है, टोकन नंबर 20B क्या? नहीं नहीं नहीं, बुक लेके नहीं जाना बाबा। चलो भाई नंबर तो लिख दिया है, अब फाइनली अब बैग में रखने का टाइम आ गया, और ये रखा जाएगा पॉकेट में, ठीक है। और अब चलो सारे बंदे वायरल हो गए। क्या वायरल हो गई? सारे बंदे। अच्छा चलो बैग में रख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब उसके बाद मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, ठीक है डायरेक्टली। चलो जाते हैं अब एग्ज़ाम देने, फिर बाय। हाँ भाई हो गया फाइनली पेपर। अश्विन भाई बताओ जरा एक्सपीरियंस बताओ, पेपर का कैसा रहा आज का? जरा बढ़िया रहा यार, फेयरवेल की तैयारी में बिजी थे तो कुछ पढ़ वढ़ नहीं पाए थे। वैसे तैयारी क्या कहते आज फेयरवेल? तैयारी आज फेयरवेल की सभी चीज़ है, इन्जॉयमेंट रहेगा, और डांस मैकेनिकल की मस्ती तो कभी छूट नहीं सकती। मैकेनिकल की मस्ती कभी छूट ही नहीं सकती। हिमाचल कॉलेज के अंदर मैकेनिकल एक ऐसी ब्रांच है। फाइनली अब चल रहे हैं अपन ऑडिटोरियम की तरफ, मतलब टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, ठीक। चलो भाई जरा देखा तो जाएगा ऊपर तरफ डेकोरेशन हो कितना गया, एक्चुअली मैनेजमेंट किया भी है या फिर अभी करना बाकी है, जल्दी समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आज का पेपर मतलब ऐसा था कि मॉडरेट था, कि जैसे पेपर आया ना वैसे आधे से ज़्यादा बच्चों ने अपना सर पटक लिया। सब ये कैसा पेपर आ गया? स्टीम टर्बाइन हद से ज़्यादा भरा पड़ा था। अरे रोहित कैसे हो सर आप, तैयारी हो भी? अरे मैडम कैसा बहुत बढ़िया आया था। कैसा गया राजन? तू मैंने सुना तू कुछ आज बहुत अच्छा करने वाला है भाई। एक पेज लेके आया हूं माफ करना। क्या देखा है? एक पेज बस 12 बजे भाग गया। इस लड़के ने लास्ट पेज पे क्या लिखा मुझे जरा बता, फिर से बता एक बार। भाई मैंने लिखा है भाई, डियर रिस्पेक्टेड सर मैडम, जाए कि अपन सब पढ़ के तो आए थे लेकिन पेपर देखे सब भूल गए, तो मैडम जा सर हमें पास कर दो जो बस। कितने पेज भर के आए जरा बता। मात्र एक पेज भाई, मात्र एक भाई। दूसरे पेज में अपन को लिख के आ गए। शाबाश बेटा, मेरा पता पूरे 29 पेज हो गए। 29 पेज 4-5 पेज हमें दे दो। रहा नहीं जाता। कैसे चल रही प्रिपरेशन तो बता जरा, उस लाइन कैसे चल रही है? का फोकस पूरा यहीं पर था। हाँ, पेपर में नहीं था। तभी तो एक पेज लिख के आया है ना, बात तो सही है। अभी ये क्या कर रहे हैं? स्टिफनेस स्टिफनेस चेक करें, टफनेस हार्डनेस सब चेक करें। शिवम भैया डर पे क्या है, ये सीनियर्स वगैरह बैठे मतलब साथ वाले, और आगे तरफ बिठाया गया पूरा मैकेनिकल मतलब सीनियर्स को जिनके लिए फेयरवेल है। भाई ये कौन सा स्टेप हो रहा है यार, ये कौन सा स्टेप हो रहा है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलो भाई फैकल्टी भी आ गई है, अब मजा आएगा पूरे शो का, मतलब अब स्टार्टिंग होनी है। फैकल्टी मेंबर का सभी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। फैकल्टी मेंबर से अनुरोध करता हूं कि वो लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करें लैंप लाइटिंग से। ले ले।
ऋषि साहू, मैं कुणाल सिंह नाने और हम इस महीने का 2K22 फेयरवेल में आप सभी का स्वागत करते हैं। सिंगिंग के लिए हम लोग बुलाना चाहेंगे सुरजीत यादव जी को, वो आए और उनके सुरजीत फर्स्ट परफॉर्मेंस कुमार सानू जी के सुना और सभी का मनोरंजन किया। भाई सुरजीत कुमार सानू को फेवरेट सॉन्ग गाने वाले, क्या बात है। सांस की जरूरत है जैसे, हाय हाय, सांस की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस इतना ही चाहिए। चलो भाई डांस हो गया, अभी आगे और शुरू हो गया, पीछे के से लाइन चालू कर देने चाहिए। अरे 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 अच्छे से डांस करो भाई, 50 रुपए भी बस। बेचारा सुरजीत आगे गाना गा रहा है, पीछे शोर के डांस जिंदगी सांसों की जरूर जय भी आ गया। आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। चलो भाई बहुत सारा भाई, ये क्या हो रहा है, ये अलग लेवल का डांस देख लो भाई। सीनियर्स को है ना पीछे देखना चाहिए, आगे क्या देख रहे हो, पीछे देखो। यार अब तुम्हें पहली सी बात नहीं, मैंने कहा इंसान हूँ कोई साइंस की इजाद नहीं। बॉय उसने कहा क्या अब भी किसी की आंखों में डूब जाते हो, मैंने कहा आंखें हैं कोई पानी का तालाब नहीं। उसने कहा क्या मैं बेवफा हूँ, मैंने कहा तू इतनी धोखेबाज है जिसका कोई हिसाब नहीं। उसने कहा भूल जाओ मुझे, मैंने कहा तू है कौन सी वाली, मुझे तो ये भी याद नहीं। बहुत आर्ट ब्रो, बहुत आर्ट। चलो भाई फाइनली अब खाना स्टार्ट हो चुका है, तो पहले सीनियर्स को क्या पहले भेजा जा रहा है खाना खाने के लिए कि सीनियर्स मैम, तो सीनियर मैम। चलो भाई फाइनली खाना स्टार्ट हो चुका है, तो अभी खाने की तरफ प्रस्थान किया जा रहा है। चले जाओ चले जाओ चले जाओ। अभी क्या कर रहे तू, ये भाई ये नहीं भाई, बहुत भंडारा स्टार्ट हो चुका। तो पहले क्या है सीनियर्स के लिए रहेगा पूरा का पूरा खाना, ठीक है, और फिर उसके बाद जूनियर्स के लिए रखा रहेगा प्रोग्राम, ठीक है। पहले सीनियर्स इस फेयरवेल में डिसाइड किया गया था भाई, थाली उसके अंदर रोटी है और पापड़ है, चिकन कबाब है, हाँ, एग रोल है, हाँ, अंडा करी है और बटर चिकन है और बस खत्म, जीरा राइस है, अच्छा, छोले भी है, पनीर भी है, ओके, सलाद भी है, रायता भी है। रायता की क्वांटिटी कम कर दी गर्मी की वजह से। अरे नहीं यार ज़्यादा होनी चाहिए तो भाई यही तो। चलो कोई ना, थाली बहुत सही है लेकिन एक किलो बैच है पूरा। फाइनली यहाँ पे सीनियर्स का पहले लंच कंप्लीट मतलब शुरू हो चुका है। चलो भाई अपना भाई है लंच करने का भाई। तुम हुस्न की आंखों में बहल जाते हो और हमें नशे में भी बहलना नहीं आता, हाय हाय, दर्द में ही समझना नहीं आता। तुम खुलेआम हर गलत काम करते हो, और हमें गलत रास्तों पर भी चलना नहीं आता, दर्द में ही समझना नहीं आता। एक कविता और प्रस्तुत करता हूँ हमारे देश के जवान के लिए। जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उस टाइम पे मैंने एक कविता लिखी थी, ये कविता मैंने अपने देश के जवान के लिए प्रेरित की है, तो गौर फरमाइएगा। के आसान नहीं होता है फौजी बन जाना, जंग में लड़कर दुश्मन के हाथों मर जाना। जंग तो सभी लेते हैं हिंदुस्तान में, मगर आसान नहीं है मर के भी देश के लिए कुछ कर जाना, आसान नहीं है मर के भी देश के लिए कुछ कर जाना। धन्यवाद, शुक्रिया। कुछ हटके होना चाहिए, ठीक है। हम एक छोटा सा यहाँ गेम खेलेंगे जो ओनली सीनियर्स के साथ होगा,
जोरदार तालियों से स्वागत हो हमारे सीनियर्स का। चलो भाई सीनियर्स आ रहे हैं और उनको थोड़ा टास्क वगैरह दिया जाएगा। तो कुछ समझ में आ गया होगा ये टास्क क्या, जो भी सर पर्ची निकालेंगे और जिसका नाम सर लेंगे उसे वो वहाँ करना। सर एक पर्ची निकालिए। सर यहाँ पे पहली पर्ची निकाल रहे हैं। चलो तो आयुषी दीदी आएंगे अभी आगे, अब इनके लिए कोई टास्क रहेगा इसके। चलो टास्क की बारी है। टास्क क्या है? रैम वॉक करना है। ओके तो मैम के लिए जोरदार तालियां। भैया तालियां नहीं रुकनी चाहिए सीनियर के लिए। क्या है टास्क? क्या बात, अरे केजीएफ का डालो बहुत फेमस। पुष्पा राज मैं झुकेगा इस साल। Bye.
अब घर निकलना सीधा सीधा। अरे यार फेयरवेल के चक्कर में गड़बड़ हो गई साला, यहाँ पे सारी की सारी बसेस थी वो निकल चुकी हैं यार। अब एक ही चीज़ है कि भाई साहब यहाँ पे आप पकड़ना पड़ेगा या फिर कुछ और देखना पड़ेगा सोर्स, जिससे कि अपन घर जा सके इसी तरीके से। सोचा नहीं था कि फेयरवेल इतना भारी पड़ जाएगा, कि घर थोड़ा सा किसी और सोर्स का इंतजार करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, या तो कोई बस अरेंज करें या फिर यही होता है कि भाई साहब रेड बस पकड़ो फिर उसके बाद वहाँ से मूव ऑन करो, आप क्या कर सकते हैं। भाई फाइनली आज का फेयरवेल कंप्लीट होता है यहाँ पर। हम घर आ चुके हैं, अपन चेंज वेंज सब हो चुका है और दूध का पैकेट भी लेने चला गया था, तो क्या मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। शाम के 7 बज रहे हैं और आज का प्रोग्राम हो चुका है, मतलब आज जो था वो सीनियर्स का एंड हो चुका है, मतलब कि अब हम कॉलेज के सुपर सीनियर हो चुके हैं, या फिर सीनियर कैटेगरी में कह लो, फोर्थ ईयर लास्ट ईयर। एक साल बाद कुछ शायद अपना भी यही हाल हो रहा होगा कि अपन भी कॉलेज को छोड़ जाने वाले होंगे, लेकिन एक साल बाद अभी एक साल बचा हुआ कॉलेज को इंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ट्राई करना इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, ताकि जो ब्लॉग है वो सीनियर तक पहुंच जाए, ताकि वो भी पूरी तरीके से इंजॉय कर सके।